हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। यानी कि निरंतर लगातार मेहनत करना ही, अथक मेहनत करना ही किसी एवरेज व्यक्ति को भी एक्सीलेंट बना सकता है, उम्दा बना सकता है। ठीक है, हम कई दफा देखते हैं कि बच्चे जो है मतलब बोलते कि यार वो रातों रात स्टार बन गया, रातों रात। वो रातों रात कोई भी स्टार नहीं बना, हर एक व्यक्ति ने बहुत स्ट्रगल करा है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक कहानी है स्ट्रगल की। ठीक है, तो वो लेकिन वो क्या था जो चीज उनको अलग करती थी एक स्ट्रगलर से, उनको स्टार किसने बनाया? उनकी कंसिस्टेंसी ने, उनके अथक प्रयास ने और निरंतर प्रयास ने। ठीक है, तो आपको भी वही चीज करनी है। एक क्वेश्चन को 1000 बार करो, 100 बार करो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रहो अपनी परफॉर्मेंस में, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। मौसम एकदम से बदल गया है, आई होप आप सब लोग इस चीज का भी ध्यान रखेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जोर शोर से चल रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL मेंस। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन अक्टूबर द पब्लिकेशन ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रेसिपिटेट्स एन एग्रेसिव पुश बैक बाय द गवर्नमेंट। बोल रहे हैं लगभग हर साल अक्टूबर महीने में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, ठीक है, जिसको कि हमारी जो सरकार है बड़ी जल्दीबाजी करते हुए बहुत ही जोर शोर से आक्रामक तरीके से पीछे धकेलती है, उसका प्रतिरोध करती है। ठीक है, दिस ईयर टू द रिपोर्ट दैट रैंक्स इंडिया 111 अमंग 125 नेशंस। बोल रहे हैं इस साल भी ये जो रिपोर्ट है जिसमें इंडिया की रैंकिंग 111वें पायदान पर आई है 125 नेशंस में से, अ फॉल ऑफ 4 places फ्रॉम लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल के मुकाबले हम 4 रैंक नीचे गिर गए हैं, हैज एलिसिटेड एन एंग्री रिएक्शन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसने क्या किया है, इसने प्राप्त करा है, क्या चीज प्राप्त करी है, एक एंग्री रिएक्शन। ठीक है, गुस्से वाला एक रिएक्शन उनको मिला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, इन वॉट सीम्स अ रीइटरेशन ऑफ इट्स रिस्पॉन्स लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री हैड सेड। बोल रहे हैं कि अपने पिछले साल के रिस्पॉन्स को ही दोबारा दोहराते हुए मिनिस्ट्री ने कहा है, 3 of the 4 इंडिकेटर्स यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। बोल रहे हैं इसमें 4 पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 4 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उनमें से 3 जो हैं वो बच्चों की सेहत से रिलेटेड हैं और जो कि पूरी पॉपुलेशन का हिसाब किताब नहीं दे सकते आपको। ठीक है, द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट नरिश पॉपुलेशन। और जो बोल रहे हैं चौथा जो पैरामीटर है, चौथा जो इंडिकेटर है, मुख्य इंडिकेटर है, वो क्या करता है, वो बताता है, अनुपात बताता है अंडर नरिश पॉपुलेशन का, और इज बेस्ड ऑन एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज ऑफ 3000। हमारी करोड़ों की जनसंख्या है, हमारी करोड़ों की जनसंख्या क्या फेस कर रही है, क्या वो 3000 लोग बता सकते हैं? 3000 लोग तो शायद हमारे देश में अमीरों की पॉपुलेशन होगी, राइट? तो 3000 लोग करोड़ों की जनसंख्या की सैम्पलिंग नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि अंडर नरिश पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बताता है, वो केवल ओपिनियन पोल द्वारा आंका जाता है, वो भी केवल 3000 लोगों के सैंपल डेटा से। ठीक है, Scholars have also argued that the GHI is a poorly designed measure of hunger. बोल रहे हैं कई विद्वानों ने ये भी कहा है कि जो GHI है ये बड़ा ही खराब तरीका है हंगर को मेजर करने का। Such criticisms are valid. तो ये जो आलोचना हो रही है जाहिर सी बातें होनी भी चाहिए, वैलिड है, उनके पास रीजन है, बट दे शुड नॉट डाइवर्ट पॉलिसी मेकर्स अटेंशन फ्रॉम द परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पुअर फूड इंडेक। लेकिन बोल रहे हैं कि उनको पॉलिसी मेकर्स का ध्यान जो है, इन रिपोर्ट्स को पॉलिसी मेकर्स का ध्यान नहीं हटाना चाहिए उन चीजों से जो कि एक्चुअल में इस वक्त पुअर फूड इंटेक की वजह से हमारे देश में परेशानी बनी हुई है। अंडर न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द ब्लीक स्पॉट्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। बोल रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन जो है ये बड़ा ही कमजोर एक कड़ी है, है ना, निराशाजनक कड़ी है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट की कहानी में। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मेड इट इनकम्बेंट
ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड बेसिक सीरियल्स एंड ग्रेन्स बोल रहे हैं, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पास हुआ था उसने आवश्यक कर दिया है केंद्र सरकार को, मतलब सरकारों को, हमारे देश की सरकार को आवश्यक कर दिया है कि बेसिक जो जरूरत का सीरियल है, ग्रेन्स है, वो टू इंश्योर दैट पीपल डू नॉट गो हंग्री, वो लोगों को मुहैया कराया जाए जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग जो हैं वो भूखे पेट ना सोएं। स्कीम्स सच एज पोषण 2.0 सीक टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन बोल रहे हैं। पोषण 2.0 जैसी जो स्कीम्स हैं ये क्या करती हैं, ये माल न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर, व्यसक महिलाओं के, लड़कियों के अंदर और प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर में इन चीजों से डील करती हैं। हाउएवर टेक्निकल ग्लिचेस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग दीज बेनिफिट्स। लेकिन बोल रहे हैं हालांकि इसमें भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं कि यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ ब्यूरोक्रेसी में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, टेक्निकल कुछ ग्लिचेस हैं, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे समाज में प्रचलित है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई बेटियों को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, तो कई गांव के इलाके ऐसे हैं जहां पे बेटों को तो भरपेट खिला पिला दिया जाता है, दूध का पूरा ग्लास दिया जाएगा, बेटी को शायद उसमें पानी डाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारे समाज में प्रेवेलेंट है, जिसकी वजह से प्रिवेंट अ लार्ज, जो कि बहुत बड़े संख्या में लोगों को रोकता है कि उनको इस चीज के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। Among the troubling statistics of the National Family Health Survey NFHS-5 is the one that relates to child nutrition बोल रहे हैं। बहुत सारे National Family Health Survey 5 जो हुआ उसके बहुत सारे डेटास थे वो परेशान करने वाले थे, उनमें से एक क्या था, बच्चों में न्यूट्रिशन का जो डेटा आया है वो। It found that 89% of children between the formative ages of 6 to 23 months do not receive a minimum acceptable diet. बोल रहे हैं इसमें पाया गया कि 6 महीने से 23 महीने तक के जो बच्चे, जो कि बेसिकली उनकी फॉर्मेटिव फॉर्मेशन की एज होती है, इन बच्चों में 89% बच्चों को बेसिक जो मिनिमम डाइट चाहिए, मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट जो है वो नहीं मिल पाती, जो कि मार्जिनली बेटर दैन द 90.04% रिकॉर्डेड इन NFHS-4। लेकिन फिर भी ये जो डेटा है ये 90.4 हमने NFHS-4 में रिकॉर्ड किया था उससे बेहतर है। द सर्वे ऑल्सो फ्लैग्ड हाई रेट्स ऑफ एनीमिया अक्रॉस लार्ज सेक्शंस बोल रहे हैं ये जो सर्वे है इसमें लोगों में अनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी, तो लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी के भी ज्यादा मतलब इसमें आए हैं रेट्स की, भाई ज्यादा लोगों में कमी है हीमोग्लोबिन की। चिल्ड्रन बिलो 6 years, एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज एंड वुमेन बिटवीन 15 to 49 years, इंक्लूडिंग प्रेगनेंट वुमेन। अब इसमें किस किस का डेटा शामिल है, बच्चे 6 साल से कम के बच्चे, एडोलसेंट किशोर अवस्था में जो लड़कियां हैं लड़के हैं वो, महिलाएं 15 to 49 years की एज में महिलाएं और प्रेगनेंट वुमेन। और आपको पता है प्रेगनेंट वुमेन का तो ये है कि बच्चा भी डेवलप हो रहा है तो उनको भी चाहिए सारे के सारे न्यूट्रिशन। सो ये सब इस डेटा में शामिल है जिनमें एनीमिया पाया जाता है। In recent years, scholars have directed attention to the limitations of calorie intake. बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, अभी हाल फिलहाल के सालों में जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने हमारा ध्यान केंद्रित किया है कि लोग कैलोरी इंटेक के ऊपर कॉशियस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कैलोरी इंटेक लिमिट कर रहे हैं। सेंटर्ड इंटेक सेंटर्ड अप्रोच, जो कि इनकी कैलोरी इंटेक सेंटर्ड अप्रोच है कि भाई कितना कैलोरी लिया जाए, कितना कैलोरी खाया जाए, इतना कैलोरी लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। दे हैव अंडरलाइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि इससे क्या है कि लोगों में विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। आपने कई सारे यूट्यूबर्स वगैरह देखे होंगे जो आपको सलाह तो देते हैं कि भाई आप इतना खाओ, इतना पोर्शन में खाओ, ये करो वो करो, फिर उसके बाद से वो सप्लीमेंट्स अपने एड ऑन कर देते हैं। तो फायदा क्या है उन सप्लीमेंट्स खाने का, आप सही न्यूट्रिशनल डाइट खाओ कैलोरीज इनटेक के चक्कर में कि हमें इतनी ही कैलोरीज खानी है, उसके चक्कर में आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, फिर आप बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेके सप्लीमेंट्स लेके वो खा रहे हो, वो जहर है सब कुछ, ठीक है।
एंड ऑल्टर्ड पॉलिसी मेकर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, और बोला है कि पॉलिसी मेकर्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड ऑल्टर्ड, और जिसकी वजह से उनका जो पॉलिसी मेकर्स का है स्टैंस वो चेंज हुआ है, और उन्होंने क्या कहा है कि भाई महिलाओं को एम्पावर किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए. Conversations on nutrition could become richer with more granular data on household consumption. अगर हम nutrition की बात करना चाहें, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है data अगर हम इसमें घरेलू consumption के ऊपर भी micro data लेकर आएं, बारीक से बारीक data लेकर आएं. However, the country has not had an official estimate on per capita household spending in more than 10 years. बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में 10 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया है, हमने per capita household spending के ऊपर कोई भी data officially declare नहीं किया है. The government junked the Consumer Expenditure Survey CES of 2017-2018. बोल रहे हैं, सरकार ने 2017-18 का जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था उनको भी छोड़ दिया है. एंड द रिजल्ट्स ऑफ सीईएस 2022-2023 आर नॉट येट पब्लिक, और जो 2022-23 सीईएस के रिजल्ट्स हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं. द सेंटर इज राइट इन क्रिटिकिंग द जीएचआई. बोल रहे हैं, अगर सेंटर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उल्लंघन करता है, उसका आलोचना कर रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि उसके पैरामीटर सही नहीं है, बट दैट शुड नॉट डिमिनिश द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूट्रिशन चैलेंज. लेकिन अब क्योंकि वो हंगर इंडेक्स को नहीं बता रहा, बट उसमें हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम है ना, वो तो वो सिग्निफाई कर रहा है, तो उस चीज को मत छोड़िए ना. ठीक है, मान लेते हैं कि हंगर इंडेक्स में हम लोग 111वें पायदान पर नहीं है, जो डेटा वो बता रहे हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू का डेटा है, तो एटलीस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू में तो हम 111वें पायदान पर है, उसके लिए तो कुछ कीजिए. एज अ फर्स्ट स्टेप इट मस्ट बॉल्स्टर इट्स इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज. बोल रहे हैं, पहले स्टेप जो इनको करना चाहिए वो अपना जो इंफॉर्मेशन का भंडारण है, इंफॉर्मेशन बिल्डिंग जो है उसको मजबूत करना चाहिए. यानी कि पहले आप डेटा कलेक्ट करो, पहले सही डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे. ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट टोन इज मोस्ट एविडेंट इन द पैसेज. पैसेज की टोन कैसी लगी है, तो काफी एनालिटिकल और क्रिटिकल लगी है, ठीक है. सो इलेटेड नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, क्रिटिकल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट वुड बी अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट मेजर. एब्सोल्यूट मेजर तो है नहीं वो, है ना, इंडियाज राइज इन ग्लोबल राइज तो कर ही नहीं रहे, गिरते जा रहे हैं. द सक्सेस ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके बारे में भी हमने बात नहीं करी है. एड्रेसिंग इंडियाज अंडर न्यूट्रिशन चैलेंज बियॉन्ड रैंकिंग्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि रैंकिंग से परे होके, ये नहीं सोचने कि सिर्फ हमारी रैंकिंग कम आई है इसलिए हमें वो करने की जरूरत है, हमें बेसिकली खुद के देशवासियों के लिए, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए इस समस्या से निपटने की जरूरत है. वॉट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज. द मेथडोलॉजी ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मुख्य थीम ये नहीं है, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू में जो कमी आ रही है वो है मुख्य थीम. द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग अंडर न्यूट्रिशन एंड इट्स रिलेटेड चैलेंजेस इन इंडिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स रिएक्शन टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन प्रीवियस ईयर्स. द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज अप्रिशिएटेड इनसाइट्स फ्रॉम, नहीं, पिछले साल भी नकारा था, साल दर साल हम नकारते ही आए हैं. द गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज बीन कंसिस्टेंट ऑफन चैलेंजिंग इट्स मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि वो लगातार सेम ही बना हुआ है, हम हर साल किस तरीके से वो इसको फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ही उठा रहे हैं. Based on the passage, what can be inferred about the country's data on household consumption related to nutrition? The country regularly updates its data on household consumption. Incorrect है, हम अब regularly नहीं कर रहे हैं, है ना? The country has had comprehensive data on household consumption for the past 10 years. नहीं है, पिछले 10 सालों से ज़्यादा किया नहीं गया है. Despite the importance of granular data on household consumption, the country has not had an official estimate in over a decade, posing a challenge to informed policy maker. Option C is correct, कि जिसकी वजह से हम सही information के साथ में policy नहीं बना पा रहे हैं. अब यहाँ पे जो underlined पार्ट है वर्ड
स्टेटमेंट का, उसका हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट idiom बताना है. द pheasants worked द होल डे इन द fields एंड stopped वर्किंग इन द evening एंड went टू their homes. जब आप शाम के समय काम खत्म करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, है ना, मतलब कि अब इसको बंद करते हैं, आज के दिन के लिए इतना काम करते हैं, ठीक है. तो क्या है, कॉल्ड इट अ डे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि आज का दिन यही खत्म करते हैं, अब अपने घर चलते हैं. पैराजंपल का क्वेश्चन है, ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, मेनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय अ प्रॉपर वर्क लाइफ. बोल रहे हैं क्योंकि डेडलाइंस, डिलीवरी की डेडलाइंस बहुत नजदीक होती हैं, टाइट होती हैं, फोकस सारा का सारा परफॉर्मेंस के ऊपर किया जाता है, आउटकम्स के ऊपर किया जाता है, तो ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं इंजॉय कर पाते. तो अब देखो, ये जो है, ये स्टेटमेंट किसी समस्या का आगे कारण बता रहा है, कुछ हमने पहले डिस्कस किया होगा, हमें यहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही हमें यहाँ से कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. स्ट्रेस कुड emanate आउट ऑफ various सिचुएशन सच एज लाइफ स्टाइल, हेल्थ और रिलेशनशिप इशू. यहां से हमें एक चीज थोड़ी सी क्लियर हुई है कि हम शायद स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम एट होम एंड कॉम्पिटेटिव फोकस ऑन एक्वायरिंग मटीरियल सिंबल्स. बोल रहे हैं स्ट्रेस बहुत सारी चीजों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स में अगर परेशानियां हो, सपोर्ट सिस्टम घर पे ना हो, मौजूद ना हो, कॉम्पिटेटिव फोकस हो, है ना, किस चीज के ऊपर, कि हम मटीरियल सिंबल्स एक्वायर करें कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ठीक है. और करियर में अपने एडवांसमेंट, आगे बढ़ना, ये सब चीजें जो है स्ट्रेस को बढ़ावा दे सकती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं. इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मेनी यंग प्रोफेशनल्स आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस. ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ये आज के दौर की स्थिति का स्टार्ट कर रहा है कि भाई आज के दौर में हम स्ट्रेस के बारे में इस पैसेज में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है. तो सी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. टू एड टू दिस, द करंट इकोनॉमी हैज इम्पैक्टेड मेनी कंपनीज रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स विच इन फैक्ट हैव पुट मेनी जॉब्स एट रिस्क. तो देखो, बी में हमने बात करा कि स्ट्रेस कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जनरेट हो सकता है, वो कारण हमने बताए. फिर उसके बाद बोला, इन सब के बाद अब ऐसे भी हो सकता है कि भाई हमारे पास परफॉर्मेंस का इशू है, तो डेडलाइंस बहुत टाइट है, ये सब चीजें हैं, तो इसकी वजह से हम इन सब परेशानियों में, और क्या होगी कि आज के डेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स वगैरह नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं. इन इफेक्ट हैव पुट मेनी जॉब्स, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो नष्ट हो गई हैं. आपको पता है गूगल ने और इन सब कंपनीज ने कितने ले ऑफ्स करे हैं, राइट. Resulting in the frequency of counseling support and guidance going up significantly, जिसकी वजह से counseling support और guidance के sessions जो हैं doctors के पास में, counselors के पास में कतार लगी हुई है, वो बढ़ रहे हैं, इनका number rise हो रहा है. तो ये हमारा end result है कि इस सभी stress की वजह से क्या हो रहा है अब, कि लोगों को counselors के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है. तो D हमारा last statement होएगा, यहाँ पे D last statement है, यहाँ पे D last statement है. C हमारा first statement, यहाँ पे A है, यहाँ पे C first statement है, तो ये हट गए, option D is correct, C B A D. Identify how will you ask everyone if the sweets will be delivered by Jack today in active voice. Active voice में आपने पूछना है कि क्या Jack आज sweets deliver करेगा, तो will Jack deliver the sweets, ठीक है. Jack will deliver the sweets, ये statement है, question नहीं है. Will Jack be delivering the sweets today? Incorrect. Will Jack deliver the sweets today? Option C is correct. From the outset of pandemic, जो underlined word है उसका appropriate synonym बताना है. Vulnerable, vulnerable मतलब होता है at risk, ठीक है. तो ऑप्शन ए एट रिस्क इज करेक्ट. करेक्टली यूजर्स हमें वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जहां पे सारे आर्टिकल, सब कुछ, ग्रामेटिकल सब करेक्ट हो, ठीक है. I have never seen an UFO. UFO के साथ में an UFO नहीं आएगा, a UFO in an English movie, ठीक है, a UFO होगा. I have never seen a UFO in a English movie नहीं होगा, an English movie होगा. I have never seen a UFO in an English movie. Option C is correct. A person, one word substitute करना है, a person who kills somebody, especially for political reasons. अब अगर
हमने कई बार सुना है कि उनको असैसिन कर दिया गया था, कोई महान व्यक्ति थे जैसे अमेरिका के ज्यादातर जो राष्ट्रपति रहे उनको असैसिन किया गया, तो वो अपनी पॉलिटिकल मंशा के लिए, अपने पॉलिटिकल नजरिए की वजह से उनको मार दिया गया। तो जब कोई महान बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति, प्रोमिनेंट लीडर कोई उनको मारा जाता है, कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति उनको मारा जाता है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके, तो उसको बोला जाता है असैसिन करना। ठीक है, सो ऑप्शन डी असैसिन इज करेक्ट। By killing a large number of people, they thought they could get more benefits of the scheme. तो जब एक साथ बड़े सारे लोगों को मारा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, जनसंहार, नरसंहार, जेनोसाइड। ठीक है, सो ऑप्शन डी जेनोसाइड इज करेक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर fought hard against dash practices which affected Indian society of his time. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने समय में जो भी ग्रुप प्रक्रियाएं थी, इविल प्रक्रियाएं थी, उनके अगेंस्ट में बहुत हार्ड लड़ाई लड़ी। तो मेनी इविल, ऑल इविल, मोस्ट इविल, मोर इविल, तो मेनी इविल, बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई करी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। It was evident from his gesture that he was feeling guilty. तो evident का हमें antonym बताना है। Evident मतलब स्पष्ट, साफ। ठीक है, तो antonym क्या हो जाएगा, छुपा हुआ, hidden, या फिर unclear। तो यहाँ पे hidden option A is correct. India needs to do better on rights and freedoms, welfare and justice, growth and development, and in building a more egalitarian society. Egalitarian की spelling incorrect है, हमें incorrectly spelled word बताना है। First दिया है egalitarian, ये correct है spelling। Egalitarian का मतलब होता है कोई समानता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, कि भाई सब बराबर होने चाहिए, सब एक समान होने चाहिए, तो egalitarian का मतलब होता है समानता में विश्वास करने वाला, रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उसकी spelling correct है। अब देखो फ्रीडम के यहां पे स्पेलिंग देखो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन दिया फ्रीडम, यहां पे स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट यहां पे इनकरेक्ट है बट यहां पे करेक्ट है, तो हम क्यों छेड़े। जस्टिस यहां पे इनकरेक्ट है और यहां पे करेक्ट है स्पेलिंग, तो यहां पे इनकरेक्ट स्पेलिंग केवल इगैलिटेरियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है नर्वस का। नर्वस मतलब घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ। ठीक है, तो उसका विपरीत क्या हो गया, कोई बड़ा ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति या फिर करेजियस व्यक्ति। सो ऑप्शन सी करेजियस इज करेक्ट। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क। ठीक है, तो सतर्क का मतलब अब एंटोनिम क्या होएगा, केयरलेस, तो हीडफुल नहीं, केयरफुल नहीं, केयरलेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड अ कब। ठीक है, लायन के छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है, कब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Has the custard not been cooked by her? क्या कस्टर्ड उसके द्वारा नहीं बनाया गया था, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो उसका ये हर पहले आ जाएगा, has से स्टार्ट है, तो क्या has तो क्वेश्चन ही रहेगा, has, हर की जगह क्या आ जाएगा, she। ठीक है, अब not been cooked, तो has she not, आगे क्या आ जाएगा, cooked the custard। ठीक है, Has she cooked the custard, have क्यों आएगा सिंगुलर के साथ में, इनकरेक्ट है। Has she cooked the custard, इनकरेक्ट, क्योंकि कुक करने की बात नहीं हो रही, क्या नहीं किया ये बोला जा रहा है। ठीक है, does she not, does क्यों चेंज करेंगे हम has से, has she not cooked the custard, ऑप्शन डी इज करेक्ट। hinder मतलब रुकावट, रोकना किसी चीज को, monitor मतलब नजर रखना, aid मतलब सहायता करना, और domesticate मतलब पालतू बनाना, force मतलब दबाव डालना, मजबूर करना। तो यहां पे अगर hinder का मतलब रुकावट है, रोकना है, तो aid मतलब सहायता, so option B is correct। Fountains are used today to decorate city parks and squares, बोल रहे हैं आज के दिन में हम झरनों का, फवारों का इस्तेमाल करते हैं शहरों के चौराहों को डेकोरेट करने के लिए। टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स, या फिर कोई किसी महान व्यक्ति की मूर्ति लगा देंगे, उसके साथ में फवारा लगा देंगे, या कोई कुछ एक कोई घटना हुई होगी उस घटना के सम्मान में वो फवारा लगा देंगे। फॉर रिक्रिएशन डैश फॉर एंटरटेनमेंट, या फिर हम रिक्रिएशन करने या फिर एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। A स्प्लैश पैड और स्प्रे पूल अलाउज सिटी रेजिडेंट्स टू एंटर, बोल रहे हैं एक स्प्लैश पैड या फिर स्प्रे पूल लगा दिया जाता है जिससे कि शहर के नागरिक क्या है, एंटर करते हैं, गीले हो जाते हैं, कूल ऑफ करते हैं, कहाँ, समर में, गर्मियों के दौरान में। ये हिंदुस्तान में कम होगा, बाहर के देशों का शायद ज्यादा होगा, या फिर हिंदुस्तान की मेट्रो सिटीज में देखा जा रहा होगा। द म्यूजिकल फाउंटेन
डैश मूविंग जेट्स ऑफ वाटर बोल रहे हैं, जो म्यूजिकल फाउंटेन्स होते हैं, डैश मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, शायद उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें मूविंग जेट्स ऑफ पानी की मूविंग जेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कलर्ड लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स, जिसको कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि उसमें एक गहरा सा इफेक्ट दिया जा सके, कभी तिरंगा बनाया जाता है, कभी कुछ और पिक्चर बनाई जाती है, ठीक है, ये सब चीजें इफेक्ट्स उसमें दिए जाते हैं। फाउंटेन्स कैन डैश ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड डैश ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, बोल रहे हैं फाउंटेन्स कई दफा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तरह भी प्ले किए जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डैश ऑब्स्ट्रक्शन उनके रुकावट ऑफ वन या मोर ऑफ देयर वेदर वाटर जेट्स, उनके वाटर जेट्स एक से या उससे अधिक वाटर जेट्स में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश, अब ड्रिंकिंग फाउंटेन्स का कंसेप्ट भी इंडिया का नहीं है, बाहर का है, एक ऐसे करके जैसे हम जब बाहर जाते तो कहीं पे भी तो हम तो टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं, टैप लगा होता है, उसमें क्या होता है, स्प्रे होता है, जैसे आप उसको बटन प्रेस करेंगे वो ऊपर की तरफ स्प्रे होता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ स्प्रे होता है पानी। तो बोल रहे हैं जो ड्रिंकिंग फाउंटेन्स होते हैं वो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे होंगे पब्लिक बिल्डिंग्स में, है ना, तो प्रोवाइड फ्रेश डैश इन पब्लिक बिल्डिंग्स पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस। चलिए देखते हैं, फाउंटेन्स आर यूज टूडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स फॉर रिक्रिएशन डैश फॉर एंटरटेनमेंट, बिकॉज फॉर एंटरटेनमेंट नॉर फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर एंटरटेनमेंट, तो फॉर रिक्रिएशन एंड फॉर एंटरटेनमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट। The musical fountain dash moving jets of water be combined, combine, combines, option C combines is correct, कि musical fountain में combine किया जाता है moving jets of water, colored lights और recorded music को, इन सब चीजों को जिनको control किया जाता है computer द्वारा ताकि उसमें dramatic effects दिखाया जाए। Fountains can dash also be musical instruments, fountain can itself, themselves, herself, himself, तो ये तो person specific है ना, itself या themselves, तो option B themselves is correct, okay? क्योंकि fountains बोला जा रहा है ना, तो itself नहीं होगा, themselves होगा, option B plural, option B is correct। themselves also be musical instruments prayed dash played by obstruction of one or more of their water jets। Netherlands में एक जगह है, I believe Netherlands में ही है या नॉर्वे में, वहां पे समुद्र का पानी सीढ़ी नुमा वो ढांचा बनाया गया है एक समुद्र के किनारे, उसमें जिस तरीके से समुद्र का पानी अलग अलग होल्स में जाता है और जैसे निकलता है तो उससे म्यूजिकल साउंड जनरेट होती है, ठीक है, तो वही यहाँ पे उदाहरण दिया है कि किसी एक जेट में जाएगा दूसरे में नहीं जाएगा, तो इससे क्या है म्यूजिकल फाउंटेन इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। Drinking fountains provide fresh dash in public buildings, parks and public spaces. Flow of money, melodious music, positive thought या drinking water. तो drinking fountain obviously बात है drinking water ही provide करेंगे, so option D drinking water is correct. That's all, आज के session में इतना ही, thank you so much for watching. अगर content पसंद आया हो तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा। PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ने का सही तरीका है कि पहले पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे आके अपना लेक्चर अटेंड करो, जो भी एरर्स हैं उनको एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक समझो, ठीक है, ये सही तरीका है पढ़ने का। यहाँ पर आकर केवल यूट्यूब लेक्चर सुन के आप नहीं कर पाएंगे, पहले आपको खुद की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ में, कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।